भले ही सुपर हीरो मूवीज के क्रॉसओवर का ट्रेंड अब चला हो, पर हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन हीरोज का क्रॉसओवर हमें 2010 में ही देखने को मिल गया था। ऊपर से एक्सप्लोसिव और हार्डकोर एक्शन सीक्वेंसेस ने इस मूवी सीरीज का अपना ही फैन बेस बनाया है, जिसका हिस्सा हम और हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही लाजवाब टॉपिक सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं आज की वीडियो में 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एक्सपेंडेबल्स मूवी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एक्टर्स इस मूवी सीरीज का हिस्सा होने वाले थे या होने वाले हैं, इस सीरीज के दौरान किस किस को कहां कहां और कितनी चोटें आईं, क्या मतलब है एक्सपेंडेबल सीरीज के टैटू का, और आगे फ्यूचर में कौन कौन से एक्सपेंडेबल के मूवीज और टीवी शो आने वाले हैं, साथ ही साथ क्या बॉलीवुड में भी एक्सपेंडेबल मूवी बनने वाली है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी का आइडिया क्रिएट किया था राइटर डेविड कैलहम ने, जिन्होंने बेसिकली मर्सनरीज पर बेस्ड एंसेंबल स्टारकास्ट मूवी बैरो का आइडिया 2005 में वार्नर ब्रोस को पिच किया था। बाद में इस मूवी की स्क्रिप्ट को उन्होंने दो बार और रिवाइज किया, लेकिन वार्नर ब्रोस के यहाँ पर उनकी बात नहीं बन पाई। वहीं पर सिल्वेस्टर स्टालोन ने उनकी तीसरे और आखिरी ड्राफ्ट पर ध्यान दिया और वहीं से पहले एक्सपेंडेबल मूवी की शुरुआत हुई। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के कास्टिंग से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले टेरी क्रूज द्वारा प्ले किया हुआ हेल सीजर, बेसिकली पहले इस रोल को वीजली स्नाइप्स को ऑफर किया गया था, लेकिन उसी समय टैक्स के इश्यूज के चलते अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट किया था और कंट्री से बाहर जाने के लिए मना किया था, यही कारण है कि वो इस रोल को नहीं कर पाए। बाद में इस रोल को अमेरिकन रैपर 50 सेंट को भी ऑफर किया गया, जिन्होंने अपने म्यूजिक पर ध्यान देने के लिए इस रोल को नहीं किया, और फाइनली इस रोल को अमेरिकन एक्टर और फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर टेरी क्रूज को दिया गया। बाद में जब वीजली स्नाइप्स के इश्यूज रिजॉल्व हुए तो वो हमें एक्सपेंडेबल्स 3 में भी दिखे। वहीं पर इस मूवी में चर्च का रोल पहले कर्ट रसल को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया। वहीं पर बाद में इस रोल को अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को ऑफर किया गया, लेकिन उस समय अमेरिका के कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में बिजी होने के कारण वो सिर्फ इस मूवी में एक कैमियो देने के लिए तैयार हुए, वो भी बिल्कुल फ्री। फाइनली इस रोल को प्ले किया सिल्वेस्टर स्टालोन के अच्छे दोस्त और फॉर्मर बिजनेस पार्टनर ब्रूस विलिस ने, और इन तीनों का यही चर्च वाला सीन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार था जब तीनों ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया था। वहीं पर बेन किंग्सले, रॉबर्ट डिनेरो और अल पचिनो को जेम्स मुनरो का रोल ऑफर किया गया था, बट फाइनली इसे प्ले किया एरिक रॉबर्ट्स ने। वहीं पर शॉन ऑस्टिन के कैरेक्टर डैन पेन को पहले स्कॉट एडकिंस को ऑफर किया गया था, जिन्होंने बाद में एक्सपेंडेबल्स 2 में हेक्टर का रोल प्ले किया है। वहीं पर जॉन क्लाउड वैन डैम को पहली मूवी में एक रोल ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, और माना जाता है कि ये रोल डॉल्फ लंडगन के कैरेक्टर जेंसन का था। बाद में हमें जॉन वैन डैम एक्सपेंडेबल 2 में विलन के रूप में दिखे। अब भैया, आपने ये तो जान लिया कि कौन कौन किस किस तरह से दिखे, बट और कौन कौन से एक्टर्स दिखने वाले थे, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें चार्ली शीन दूसरी मूवी के अंदर CIA एजेंट के रूप में दिखने वाले थे, पर उनके रोल को इस मूवी से हटा दिया गया। वहीं पर सेकंड मूवी में अपीयर होने का ऑफर जैकी चैन को भी किया गया था, लेकिन वो 2012 की चाइनीज जोडियक मूवी में बिजी थे, जिसके कारण उन्होंने ये रोल छोड़ दिया। वहीं पर एक रोल का ऑफर डोनी येन को भी किया गया था, पर उन्होंने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। इसके अलावा हमें तीसरी मूवी में जॉन ट्रिवोल्टा और निकोलस केज हमें अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ लड़ते हुए भी दिखते, लेकिन उन्होंने इन रोल्स को नहीं किया। वहीं पर तीसरी मूवी में ड्वेन जॉनसन, क्लिंट ईस्टवुड और मिला जोविच जैसे एक्टर्स को किसी रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, पर ये इसका पार्ट नहीं बन पाए। वहीं पर सेकंड मूवी में स्टीवन सिगाल को भी एक रोल ऑफर किया गया था, पर जॉन क्लाउड वैन डैम के साथ दुश्मनी होने के कारण उन्होंने इन मूवीज में काम करने से मना कर दिया। पहली मूवी की शूटिंग ब्राजील में करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और चोर उचक्कों बदमाशों से भरा हुआ इलाका इतना खतरनाक था कि प्रोडक्शन को 70 बॉडीगार्ड्स को हायर करना पड़ा, जो बेसिकली सेट्स पर भीड़ के जुटने से रोकते थे और साथ ही साथ सेट्स पर किसी भी चीज की चोरी ना हो इसका भी ध्यान रखते थे। सिल्वेस्टर स्टालोन के हिसाब से यहाँ पर शूटिंग करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा था। मूवी में दिखी सिल्वेस्टर स्टालोन की शानदार ट्रक 1955 फोर्ड 100 है, जिसे वेस्ट कोस्ट कस्टम्स ने मूवी के लिए बनाया था। इन तीनों मूवीज में ऐसी 3 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है और हर एक गाड़ी का दाम $130,000 है, जिनमें से एक को बनाया गया था क्रैश करने के लिए, दूसरे को बनाया गया था ग्रीन स्क्रीन पर दिखाने के लिए,
और तीसरा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने खुद के लिए बनवाया था। पहली मूवी में टूल का कैरेक्टर प्ले करने वाले मिकी रॉर्क इस मूवी की शूटिंग के दौरान आयरन मैन 2 में आइवन वेंको के रोल में बिजी थे। यही कारण है कि इस मूवी को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने 48 घंटे ही दिए हैं, यानी इस मूवी के अंदर उनके सारे के सारे सीन्स सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर शूट किए गए हैं। अगर आप एक्सपेंडेबल्स के एक्शन को मिस कर रहे हैं और आप इन्हें फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको इन पर बेस्ड कॉमिक बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, जो बेसिकली मूवी के हिसाब से ही बहुत मजेदार हैं। जैसे कि 2010 की चक डिक्सन की 4 इशूज की द एक्सपेंडेबल्स, द एक्सपेंडेबल मूवीज की प्रीक्वल कहानी बताती है, जिसे डायनामाइट एंटरटेनमेंट ने पब्लिश किया था। वहीं पर अगर आप एक्सपेंडेबल्स को सुपरनेचुरल थ्रेट से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो इस साल रिलीज हुई ग्राफिक नॉवल द एक्सपेंडेबल गो टू हेल आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे सिल्वेस्टर स्टेलोन, चक डिक्सन और यूट्यूबर रिचर्ड सी मायर ने इंडीगोगो पर एक कैंपेन के रूप में शुरू किया था, जिसमें इस मूवी के कैरेक्टर्स मर जाते हैं और हेल में जाकर एक सुपरनेचुरल वॉर का हिस्सा होते हैं। और सबसे औसम बात, इसकी कहानी खुद सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिखी है। एक्सपेंडेबल्स मूवी में डॉल्फ लंडग्रीन रियल लाइफ में भी अपने कैरेक्टर के काफी करीब हैं, और ये कैरेक्टर बेसिकली उन्हीं के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ कुछ इंस्पायर्ड है। यही कारण है कि फेमस मूवी स्टार बनने से पहले डॉल्फ एक केमिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने 1976 में केमिस्ट्री से वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। वहीं पर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉकहोम से लिया था। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स उन्होंने 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से लिया था, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के वो बाउंसर की नौकरी करने चले गए जब तक उन्हें फिल्मों में रोल ऑफर नहीं किए गए। एक्सपेंडेबल 2 की मूवी के फिल्मिंग के लिए मूवी के क्रू को एक पूरे के पूरे ब्रिज को रीडेवलप करना पड़ा, जो बेसिकली बल्गेरिया के ओसाम रिवर के बाएं छोर को देवीताश का गुफा से जोड़ती है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन $380,000 का खर्चा आया था, जो एक हिसाब से मूवी के ओवरऑल बजट पर अच्छा खासा फटका है। तो क्या आप जानते हैं कि एक्सपेंडेबल्स के फेमस टैटू का क्या मतलब होता है? वेल, चलिए बताते हैं। इस टैटू के अंदर बेसिकली स्कल डेथ को डिनोट करता है, और बेसिकली इस मूवी में मर्सनरीज डेथ से ही डील करते हैं। वहीं पर कौवे यानी क्रो को वेस्ट में अपशगुन की निशानी मानी जाती है। यही कारण है कि इस टैटू से मूवी के अंदर इसी बात को डिनोट किया जाता है कि मौत और बुरी किस्मत इन मर्सनरीज का एक साया है, इसीलिए ये अपनी जान को हाथ में लेकर चलते हैं। वैसे इस टैटू का मीनिंग समवॉट क्लियर था, पर फिर भी मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा और क्लियर कर दिया जाए। अब भैया, जब मूवीज के अंदर खतरों से खेला जाएगा तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि स्टोन कोल्ड एकेएसटी बॉस्टिन का पैर पहली एक्सपेंडेबल मूवी में लगभग उड़ते उड़ते बचा। बेसिकली पहली एक्सपेंडेबल्स मूवी में एक एक्सप्लोजन के दौरान स्टीव ऑस्टिन उसकी चपेट में आ गए। वो तो अच्छा हुआ कि उनके पास एक हैवी बैकपैक था, जिसने उस एक्सप्लोजन के ज्यादातर झटकों को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, और इसी ने उनके लिए एक्सप्लोजन में शील्ड का काम किया। वहीं पर मूवी में आगे जाकर सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी लगभग 14 इंजरीज झेलनी पड़ी, जहां पर छोटे मोटे कट्स और ब्रूजेस के साथ साथ स्टंट के दौरान उनके दांत टूटे, उनकी खोपड़ी फूटी और उनका एंकल रैप्चर हो गया। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, शॉन ऑस्टिन ने एक स्टंट के दौरान सिल्वेस्टर स्टेलोन को इस कदर घायल कर दिया कि उन्हें हेयर लाइन नेक इंजरी हो गई, जिसके कारण उन्हें अपने नेक में मेटल प्लेट इंसर्ट करवानी पड़ी। वहीं पर इन सुपरस्टार्स जितने लकी कुछ स्टंटमैन नहीं थे। यही कारण है कि एक्सपेंडेबल्स 2 में एक बोट के एक्सप्लोजन के स्टंट सीक्वेंस के दौरान स्टंटमैन कुन लियू की डेथ हो गई। वहीं पर स्टंटमैन के साथ नुओ सुन किसी तरह से बाल बाल बचे। बाद में उन्होंने मिलेनियम पिक्चर्स पर इसी चीज के लिए दावा ठोका। पायरेसी मूवीज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है, और स्पेशली तब जब मूवीज के रिलीज होने से पहले मूवीज ऑनलाइन फ्री में रिलीज हो जाएं। ऐसा ही कुछ 2014 के एक्सपेंडेबल्स 3 के साथ भी हुआ, जहां पर बेसिकली इस मूवी के रिलीज होने से 3 हफ्ते पहले पूरी की पूरी मूवी ऑनलाइन पायरेट्स ने लीक कर दी, जिसे 24 घंटे के अंदर अंदर 189,000 बार डाउनलोड किया गया, और इस मूवी के कम कलेक्शन का ये भी एक कारण बना। अब चलिए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के अचीवमेंट्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें क्रिटिकली, तो इस फ्रेंचाइजी को उतना कोई खास रिकॉग्निशन नहीं मिला है। वहीं अगर बात करें ऑडियंस स्कोर की, तो एक्सपेंडेबल्स 1 को रॉटन टोमेटो पर 42%, सेकंड मूवी को 68% और थर्ड मूवी को 32% मिला है।
वहीं पर अगर बात करें फाइनेंशियल अचीवमेंट की, तो इसकी सबसे पहली मूवी ने $80 मिलियन की बजट पर वर्ल्ड वाइड $274 मिलियन कमाए। वहीं दूसरी मूवी ने $100 मिलियन की बजट पर $314 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए और तीसरी मूवी ने $90 मिलियन की बजट पर $214 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए, जिसमें से ज्यादातर इसके कलेक्शन में इसके लीक कॉपी ने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। तो चलिए अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में, और यकीन मानिए इसकी फ्यूचर की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इस पर एक स्पिन ऑफ मूवी बनने वाली थी, जो बेसिकली द एक्सपेंडेबल्स अ क्रिसमस स्टोरी नाम की एक मूवी होने वाली है, जो जेसन स्टैथम के कैरेक्टर ली क्रिसमस पर फोकस करेगी, और इसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन दोनों दिख सकते हैं। इस मूवी के रिलीज होने की संभावना दिसंबर 2021 तक है, और इसे डायरेक्ट करने का जिम्मा डीजे कारूसो और जी चैंग वुक ने उठाया है, लेकिन किसी न्यूज के न मिलने के कारण मुझे डाउट है कि 2021 में रिलीज भी हो पाएगी। वहीं पर इसकी मेन कंटिन्यूएशन एक्सपेंडेबल 4 भी 2014 में अनाउंस की गई थी, जिसमें पियर्स ब्रॉसनन भी अपीयर हो सकते हैं। साथ ही साथ जीन क्लाउड वैन डैम भी सेकंड मूवी के अपने कैरेक्टर के जुड़वा भाई के रूप में भी दिख सकते हैं। ऑल्दो इस मूवी के इनिशियल डेवलपमेंट में बहुत सारे इश्यूज आए थे, बट इस मूवी के आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। वहीं पर इसका एक फीमेल स्पिन ऑफ भी आने वाला है, जो बेसिकली एक्सपेंडा बेलाज होने वाला है, जिसे 2012 में अनाउंस किया गया था, और इसमें मर्ल स्ट्रीप, कैमरन डियाज, मिला जोविच और सिगर्नी वीवर जैसी बैडएस एक्ट्रेसेस इस मूवी का हिस्सा हो सकती हैं। 2014 में अनाउंस किया गया था कि रॉबर्ट लुकटेक इस मूवी को डायरेक्ट करेंगी, पर अब भी इस मूवी के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है। वहीं पर अगर बात करें टीवी सीरीज की, तो 2012 में इसका एक स्पिन ऑफ टीवी सीरीज भी अनाउंस किया गया था, जो अलग अलग स्ट्रीमिंग सर्विसेज और फॉक्स पर लॉन्च किया जाता, पर इसका क्या हुआ अब भी इसके बारे में कोई नई न्यूज नहीं आई है। वहीं पर हॉलीवुड की तो बात हो गई, लेकिन बॉलीवुड में भी इन मूवीज के रीमेक बनने की डील 2013 में मिलेनियम फिल्म्स के साथ किया गया है, जिस लिस्ट में सिल्वेस्टर स्टैलोन की कई सारी बेहतरीन मूवीज भी हैं। और 2016 की रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्सपेंडेबल्स मूवी के इंडियन वर्जन में सिल्वेस्टर स्टैलोन के कैरेक्टर का रोल जॉन अब्राहम प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का जिम्मा नीलेश सहाय ने उठाया था। अब देखते हैं हमारी एक्सपेंडेबल्स कब तक आती है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग एक्सपेंडेबल मूवी सीरीज फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए कौन से फैक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आए। मुझे डॉल्फ लंडग्रेन के क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और साथ ही साथ मैं आने वाले एक्सपेंडेबल मूवीज के प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आपको इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है, तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी ऐसे ही आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।